उन एक्शन एडवेंचर मूवीज की बात ही अलग होती है जिनमें सस्पेंस, थ्रिलर, दोस्ती और मैसिव वर्ल्ड स्टेक्स का तड़का हो। एंड ऑफ कोर्स द मेज़ रनर ट्रिलॉजी उन्हीं में से एक है, जो कि एक ऑसम मूवी सीरीज तो है ही, साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर ये काफी प्रॉफिटेबल रही है, जो बताता है कि बहुत सारे लोग जिसमें हमारे सब्सक्राइबर्स भी आते हैं इस सीरीज के कितने बड़े फैन हैं। और हाँ, आपने जो इस टॉपिक को हमें बार बार कमेंट करके सजेस्ट किया है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही ऑसम टॉपिक्स को हमें सजेस्ट करते रहिए और हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मेज़ रनर ट्रिलॉजी फैक्ट्स, वो भी बहुत ही भारी भरकम स्पॉइलर्स के साथ, जहां पर आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि इस मूवी की कास्ट को पहली मूवी के लिए किस तरह से प्रिपेयर करवाया गया, डिलन ओब्रायन की कौन सी चीज उन्हें अपना रोल पाने से रोक रही थी, किस सुपरनेचुरल घटना ने दूसरी मूवी के 5 क्रू को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, क्या क्या डिफरेंसेस है इस सीरीज की बुक्स और मूवीज में, किस एक्सीडेंट की वजह से इसकी तीसरी मूवी को 1 साल तक के लिए डिले करना पड़ा था, और कहां पर है इसकी अगली मूवी, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द मेज़ रनर सीरीज बेस्ड है इसी नाम के यंग एडल्ट डिस्टोपियन साइंस फिक्शन नॉवल पर, जिसे लिखा है जेम्स डैशनर ने, जहां पर उन्होंने 2009 से लेकर 2016 तक इस पर 6 किताबें लिखी, और द मेज़ रनर की तीनों मूवीज इसी की पहली 3 किताबों पर बेस्ड है। तो किताबें 6 हैं, पर मूवीज 3 ही क्यों, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस मूवी को पहले कैथरीन हार्डविक डायरेक्ट करने वाली थी, जिन्होंने इससे पहले 2008 की ट्वाइलाइट मूवी को भी डायरेक्ट किया है, लेकिन जब डायरेक्टर वेस बॉल अपनी 3D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म रुइन को फॉक्स के पास एक फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाने के लिए लेकर गए, तो फॉक्स को उनकी मूवी का प्रीमिस द मेज़ रनर से काफी ज्यादा सिमिलर लगा। यही कारण है कि उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करने का जिम्मा डायरेक्टर वेस बॉल को दिया। इस मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी थॉमस के रोल के लिए पहले ब्रेंटन थवाइटिस और कॉनर पाउलो ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन अल्टीमेटली ये रोल डिलन ओ ब्रायन को मिला। लेकिन इनके लिए भी ये रोल पाना इतना भी आसान नहीं था, जहां पर जब डिलन ने अपनी फोटो ऑडिशन के लिए भेजी तो डायरेक्टर वेस बॉल ने उनकी हेयर स्टाइल को देखकर ही उन्हें ये रोल देने से मना कर दिया था। ऑब्वियसली एक प्रॉपर ऑडिशन के बाद डायरेक्टर वेस बॉल ने अपने थॉट को रिकंसिडर किया। वहीं पर डायरेक्टर वेस बॉल हमेशा से ही कायस कैडलेरियो को टेरेसा के रोल के लिए कास्ट करना चाहते थे, जहां पर वो उनकी टीवी शो द स्किन्स के रोल एल्फी स्टेनम से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे और उन्हें अपने रोल को पाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वहीं पर चक के रोल के लिए एक्टर ब्लेक कूपर ने बकायदा ट्विटर पे कैंपेन किया था, जहां पर वो डायरेक्टर वेस बॉल को अपने आप को कास्ट करने के लिए कई बार मैसेज कर चुके थे, और फॉर्चुनेटली उन्होंने चक के रोल के लिए उन्हें कंसीडर कर ही लिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी फिल्म की लोकेशन ज्यादा से ज्यादा सेफ चुनी जाती है, लेकिन इसकी पहली मूवी की शूटिंग के दौरान थोड़ी सी दिक्कत हो गई, जहां पर इसके सेट्स पर सांप हटाने वाले कुछ स्नेक रैंगलर्स को बुलाया गया, जिन्होंने इसकी शूटिंग की लोकेशन से तकरीबन 25 जहरीले सांपों को निकाला, जिनमें से एक 5 फीट लंबा रैटल स्नेक भी था, और ऑब्वियसली शूटिंग के 1 हफ्ते पहले ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते थे। एक्चुअली शूटिंग से 1 हफ्ते पहले ग्लेड के सेट पर पूरे के पूरे कास्ट और क्रू को इसी जगह पर रहना पड़ा था, ताकि वो अपने कैरेक्टर्स के लिए प्रिपेयर कर पाए और इस चीज को महसूस कर पाए कि एक जगह पर लंबे समय तक रहना कैसा हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, इस लॉकडाउन ने हम सबको इस ग्लेड में रहने के लिए प्रिपेयर कर दिया है। मूवी की तैयारी से याद आया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स को समझने के लिए सोर्स मटेरियल्स का कितना इस्तेमाल करते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा समय इन्हें ऑब्जर्व करने या रीड करने में बिताते हैं, ताकि वो अपने कैरेक्टर्स को पूरी तरह से समझ पाए। लेकिन यही सौभाग्य इस सीरीज के लीड का रोल प्ले करने वाले डिलन ओ ब्रायन को नहीं मिल पाया, जहां पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों का वक्त मिला था इसकी पहली किताब को पूरी तरह से पढ़ने के लिए, जिस पर ये मूवी बेस्ड थी। कसम से बता रहा हूँ, स्कूल के दिन याद आ गए। एग्जाम के टाइम पर भी मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ करता था। इस सीरीज की दूसरी मूवी की शूटिंग के दौरान एक्चुअली वो हुआ जिन्होंने इस मूवी के कास्ट एंड क्रू को वो मानने पर मजबूर कर दिया जो आमतौर पर कोई मानता नहीं है। एक्चुअली हुआ ये था कि दूसरी मूवी का सेट पुराने रेड इंडियंस के बरियल ग्राउंड पर बनाया गया था, जहां पर मूवी के शुरू होने से पहले कास्ट एंड क्रू को सख्त हिदायत दी गई थी कि यहां से कुछ भी हटाना नहीं है, और जब जहां कोई चीज स्ट्रिक्टली मना की जाती है वहीं पर किसी न किसी के अंदर खुजली मचती है उसी चीज को करने की।
यहाँ पर न्यूट का रोल प्ले करने वाले थॉमस ब्रोडी सैंक्स्टर ने एकदम एक गैंगस्टर की तरह एक एंशियंट रिलिक उठा लिया। और जानते हैं कुछ ही देर बाद क्या हुआ? वेल, सेट से 5 लोगों को अलग अलग कारणों की वजह से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इत्तेफाक, मैं नहीं मानता। इस मूवी के कैरेक्टर के नामों को हिस्टोरिकल जीनियसेस के ऊपर रखा गया है, जहां पर इन कैरेक्टर्स की समझदारी के हिसाब से इनके नामों को सेलेक्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस का नाम फेमस इन्वेंटर थॉमस एडिशन के ऊपर रखा गया है, वहीं पर एलबी का नाम फेमस थियोरेटिकल फिजिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन पर रखा गया है, न्यूट का नाम इंग्लिश मैथमेटिशियन आइजैक न्यूटन के ऊपर रखा गया है और चक का नाम चार्ल्स डार्विन पर रखा गया है, जो एक नेचुरलिस्ट थे और ये ही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सबके सामने लेकर आए थे। वहीं पर गैली का नाम एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो पर रखा गया है, टेरेसा का नाम मदर टेरेसा के ऊपर रखा गया है और विंस्टन का नाम इंग्लैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के ऊपर रखा गया है। वहीं पर बेन का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन के ऊपर रखा गया है और कैरेक्टर फ्राई पैन को नॉवेल्स में सिगी भी कहा जाता है, जो ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड पर बेस्ड था। वहीं पर मीनू का नाम किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के नाम से इंस्पायर्ड तो नहीं है, पर हाँ, ये नाम इस कहानी के राइटर जेम्स डैशनर की नीस के कोरियन हस्बैंड के नाम के ऊपर बेस्ड है। वहीं पर दो और कैरेक्टर्स भी थे, एरिस जो कि एरिस्टोटल पर बेस्ड था, वहीं पर हैरियट जो हैरियट टम्बन पर बेस्ड था, जो बुक्स में तो है पर इन्हें मूवी में इंक्लूड नहीं किया गया है। अब इंक्लूड ना करने से याद आया कि बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें बुक से मूवी में या तो अलग ढंग से इस्तेमाल किया गया है या तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मूवी के अंदर जिस ग्लेड में सारे के सारे लड़के रहते हैं, वहाँ पर बुक्स में बारिश नहीं होती है। वेल, ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि बुक्स के अंदर ग्लेड के ऊपर छत होती है, जो बेसिकली स्काई और धूप को सिमुलेट करती है। वहीं दूसरी ओर ग्लेड में आने वाले सारे के सारे बच्चे अपने नाम को शुरुआत से ही जानते हैं, लेकिन मूवी के अंदर इस चीज को थोड़े अलग ढंग से दिखाया गया है। वहीं पर मूवी के अंदर ग्रीवर्स को बहुत ही अलग ढंग से दिखाया गया है, जहां पर बुक्स में उनके पैर नहीं है और वो बेसिकली स्लग जैसे क्रीचर्स हैं, और जब उन्हें अपना शिकार मिलता है तो वो अपने हाथों में लगे नाइफ से उन्हें खत्म करते हैं। वहीं पर सबसे बड़ा झोल किया गया है थॉमस और टेरेसा के बीच में, क्योंकि बुक्स के अंदर दोनों के दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और मूवी में रियलिज्म के कारण इस चीज को नहीं इंक्लूड किया गया है। इस सीरीज की पहली मूवी 20th सेंचुरी फॉक्स की पहली मूवी बनी जो डिजिटली शूट और रिलीज की गई थी, और इस मूवी को ट्रेडिशनल मूवीज की तरह 35mm प्रिंट पर रिलीज नहीं किया गया, जो ऑब्वियसली इस मूवी के कई सारे खर्चों को घटाकर मूवी को कई गुना फायदेमंद बनाता है। एक सक्सेसफुल कहानी पर जब मूवी बनती है तो उसका ऑथर क्या करता है? वेल, अगर वो जिंदा होता है तो वो अपनी कहानी पर बन रही मूवी में ऑब्वियसली कोई ना कोई कैमियो जरूर देता है। और अगर आपने जेम्स डैशनर को नहीं देखा है या आपने उन्हें मेज रनर की मूवी में मिस कर दिया, तो मैं बता दूं कि वो मूवी के क्लाइमेक्स में विकेट के एक एजेंट के रूप में दिखे थे। इस सीरीज की तीसरी मूवी का ओपनिंग ट्रेन सीक्वेंस शूट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, जहां पर इसी सीन की वजह से पूरी की पूरी मूवी को तकरीबन 1 साल तक डिले कर दिया गया, जिसके कारण ये मूवी 2018 के बजाय 2017 में ही रिलीज हो जाती। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सीक्वेंस है, इसे बुक्स के अंदर कहीं भी मेंशन भी नहीं किया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि तीसरी मूवी के ओपनिंग सीक्वेंस की वजह से साल भर तक की देरी आखिर क्यों आई। वेल, हुआ ये था कि शॉट के दौरान थॉमस का रोल प्ले करने वाले डिलन ओब्रायन को हेड इंजरी हो गई थी, जिसके कारण उन्हें बहुत समय तक हॉस्पिटल में भी गुजारना पड़ा था, जहां पर जब डिलन ओब्रायन अपनी हेड इंजरी से रिकवर कर वापस आए तो आगे की सीक्वेंस को CGI के थ्रू किया गया, जहां पर VFX कंपनी वेटर डिजिटल की हेल्प ली गई। अब चलिए बात करते हैं सीरीज के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। अब हाँ, मैं यहाँ पे नियॉन मैन की तरह साउंड करता हूँ, बट ये मात्र एक संयोग ही माना जाना चाहिए। ये मूवी सीरीज फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है, जहाँ पर इसकी सबसे पहली मूवी ने $34 मिलियन की बजट पर $348 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए, जो इसके 10 गुना से भी ज्यादा है। वहीं पर दूसरी मूवी ने $61 मिलियन के बजट पर $312 मिलियन कमाए, और तीसरी और फाइनल मूवी ने $62 मिलियन के बजट पर $288 मिलियन कमाए। कंसिडरिंग कि ये वेस्ट बॉल की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, मूवीज के बिजनेस के हिसाब से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। यही कारण है कि ये सीरीज 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली यंग एडल्ट नॉवल पर बेस्ड एक मूवी सीरीज है, जिसका हिस्सा हैरी पॉटर, हंगर गेम्स, ट्वाइलाइट और डाइवर्जेंट सीरीज भी हैं। अगर बात करें क्रिटिकली, तो पहली मूवी ने समवॉट अच्छा परफॉर्म किया,
जहां पर इसे रॉटन टोमेटोज पर 65% मिले हैं, वहीं पर दूसरी मूवी को 46% और तीसरी मूवी को 43% मिले हैं। वहीं पर बात अगर अवार्ड्स की करें तो इसकी पहली मूवी को 2015 में 3 एमटीवी मूवी अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट फाइट के लिए डिलन ओब्रायन और विल पोल्टर को अवार्ड मिला। वहीं पर बेस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस के लिए डिलन ओब्रायन को अवार्ड मिला और बेस्ट हीरो के लिए भी डिलन ओब्रायन को अवार्ड मिला। वहीं दूसरी मूवी को 2 टीन चॉइसेस अवार्ड मिले, जिसमें एक बेस्ट केमिस्ट्री के लिए डिलन ओब्रायन और थॉमस ब्रोडी सैंक्चर को अवार्ड दिया गया। वहीं पर बेस्ट एक्टर इन एक्शन एडवेंचर मूवी के लिए डिलन ओब्रायन को अवार्ड मिला। वहीं पर तीसरी मूवी को टीन चॉइस अवार्ड के 4 कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर इसे एक भी अवार्ड नहीं मिल पाए। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज के फ्यूचर के बारे में कि आखिर 3 मूवीज के बाद इसकी कोई अगली मूवी क्यों नहीं आ रही है, जबकि 2016 तक इस पर 6 बुक्स पब्लिश की जा चुकी हैं। वेल, शायद आपको जानकर दुख हो, बट बावजूद इसके फाइनेंशियल सक्सेस के, इस सीरीज के तीसरी मूवी के बाद इस सीरीज को बंद कर दिया गया है और तीसरी मूवी को फाइनल मूवी की तरह ही बनाया गया था, जहां पर इस मूवी सीरीज के डायरेक्टर वेस बॉल इसे कंप्लीट ट्रिलॉजी की तरह ही देखते हैं और उनके हिसाब से कहानी को आगे बढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है। वेल, मेरे हिसाब से अगर कहानी को आगे नहीं तो पीछे तो बढ़ाया जा ही सकता है। हो सकता है कि आगे जाकर हमें इस सीरीज की कोई प्रीक्वल ही देखने को मिल जाए। तो गाइज, ये थे आपके 15 अमेजिंग, ऑसम और माइंड ब्लोइंग द मेज रनर ट्रिलॉजी फैक्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ हमें कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट बहुत ज्यादा पसंद आए। मुझे मूवीज और बुक्स के डिफरेंसेस के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई और इस बात का भी दुख हुआ कि इस पर कोई फ्यूचर मूवी प्लान नहीं की गई है। होपफुली इसकी प्रीक्वल कभी न कभी जरूर आएगी। इसके अलावा आप कौन कौन सी सीरीज से जुड़े हुए फैक्ट्स जानते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।